नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। नहीं थम रहा वायु प्रदूषण का कहर, दिल्ली एनसीआर में AQI स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज। फिर चर्चा में आया जेएनयू, लगा आरोप देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में वामपंथी संगठन। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र, मरीजों के इलाज को लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नहीं हो कोई क्रॉस संक्रमण। DGISPR ने जताया CDS जनरल विपिन रावत के निधन पर दुख, लोगों ने कहा कि देश के प्रहरी को सलाम। पीएम मोदी 11 दिसंबर को सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित, सीएम योगी आज तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रियंका ने जारी किया महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, पुलिस बल में 25% नौकरियां देने का वादा। हेलीकॉप्टर में CDS जनरल विपिन रावत के साथ थे देवरिया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, गंभीर हालत में भर्ती। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अखिलेश को घेरा, बोले अब्बा जान की तरह बबुआ मार देते गोली। कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने प्रधानमंत्री मोदी, UPMRC ने शुरू की पीएम के स्वागत की तैयारी। कनाडा भी करेगा बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का राजनीतिक बहिष्कार, प्रधानमंत्री ट्रूडो का ऐलान। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, आज तक 57 देशों में मिले मामले, WHO ने जांच बढ़ाने का किया आह्वान। स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मांगा भारत का सहयोग। CDS जनरल विपिन रावत के निधन पर पाकिस्तानी सेना समेत कई देशों ने जताया दुख। अफगानिस्तान संग ब्रिटेन ने किया धोखा, मददगारों को तालिबान की दया पर छोड़ा। विराट कोहली को हटाया गया, रोहित शर्मा होंगे वनडे टीम के कप्तान। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रोहित को बनाया गया उपकप्तान। ICC टेस्ट रैंकिंग में अश्विन बने दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर, जडेजा 2 स्थान खिसके मयंक टॉप 10 के करीब। ज्वेन ब्रावो ने किया खुलासा, बोले MS धोनी ने मुझे करियर बनाने में मदद की। KL राहुल को मिलने जा रही वनडे टीम की बड़ी जिम्मेदारी, BCCI जल्द कर सकती है ऐलान। राधेश्याम का रोमांटिक गाना सोच लिया हुआ रिलीज, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। ईडी के सामने पेश हुई जैकलीन फर्नांडिस, 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में है गवाह। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए कैटरीना कैफ की तारीफ की, बोली सक्सेसफुल एक्ट्रेस यंग एक्टर्स से शादी करके रूढ़िवादी धारणा तोड़ रही है। CDS विपिन सिंह रावत के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, कबीर बेदी बोले गहरा दुख हुआ। शादी से कुछ दिन पहले
हॉस्पिटल में एडमिट हुई अंकिता लोखंडे, डॉक्टर्स ने दी बेड रेस्ट की सलाह। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।